प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनते हैं। कोनों में बहुत भीड़ है, वो सभी जगह नागरिक अतिशय उत्साह से यात्रा में भाग ले रहे हैं। मैं सर्वप्रथम माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से जुड़े हैं, उनको स्वागत संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सभी माननीय राज्यपाल, सभी माननीय मुख्यमंत्री, सभी माननीय केंद्रीय एवं राज्य के मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद, विधायक एवं चुने हुए सभी प्रतिनिधि, देश के हजारों स्थानों से जुड़े हुए लाखों मेरे भारतीय भाई और बहनों, मैं सबसे पहले तो जन जन तक योजनाओं पहुंचाने वाले ऐसे जनता को जो परिवार जन मानते हैं, ऐसे प्रधान सेवक और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आप सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जब शपथ ली थी तो आपने कहा था आपकी सरकार गरीब की होगी, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की होगी, महिला, मजदूर, जवान, किसान की। और पिछले 9.5 वर्ष दिखाते हैं कि आपके अंतर प्रयासों ने देश में एक नया बदलाव लाए। जो गरीब कभी एक नारे तक सीमित था कि गरीबी हटाओ, वो आपने गरीब और अमीर की खाई को कम करने का प्रयास किया। आपने पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई करके दिखाई। 4 करोड़ पक्के मकान बनाना, 12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल देना, हर घर हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से 5 लाख का इलाज मुफ्त रखने, 80 करोड़ भारतीयों को अनाज मुफ्त में दिलाना और वैक्सीन 220 करोड़ मुफ्त में दिलाना, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। आपके नेतृत्व में आपकी सरकार ने भारत में करके दिखाया है, जिसके सदा हम आपके धन्यवाद। आपने जनजातीय वर्ग दिवस के अवसर पर 5 राज्यों के चुनाव में अति व्यस्त होते हुए भी समय निकाला और झारखंड के खूंटी आदिवासी जिले जनजातीय वर्ग दिवस मनाते हुए जहां एक और पीएम जनमन योजना को लॉन्च भी किया, जिन आदिवासी भाइयों बहनों तक लोग वर्षों तक नहीं देखे, आपने उनको भी सुविधाएं देने की बात की। तो आपने ये भी कहा कि देश में जागरूकता भी बढ़ाएंगे और जो बच गए उन तक लाभ भी पहुंचाएंगे, और यही सोच आपकी विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर पहले 72 ऐसे जिलों तक, फिर जनजातीय जमुआ तक, फिर 28 के बाद देश के अलग अलग कोनों तक। मुझे कहते माननीय प्रधानमंत्री जी प्रसन्नता है कि अब तक पिछले 3-4 हफ्तों में ये 40,000 से ज्यादा पंचायतों में लगभग 1,20,00,000 लोग सीधे उन स्थानों तक पहुंचकर जागरूक भी हुए हैं और इन सेवाओं का लाभ भी लिया है। ये आपकी सोच के कारण संभव हो पाया। जहां पर उज्ज्वला योजना के नए गैस कनेक्शन के लाभार्थी, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, टीबी की स्क्रीनिंग करनी हो, टीबी मुक्त भारत बनाना हो, या फिर आयुष्मान भारत के कार्ड बनने हो, या जो आपने कहा है कि विकसित भारत 2047 तक बनाएंगे, तो आज देश के लोग माई भारत प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ रहे हैं। जो myBharat.gov.in इस पर ऑनलाइन रजिस्टर कर रहे हैं, स्वयं सेवक बन रहे हैं, नेतृत्व की क्षमता के उसको बढ़ाने का काम उसके माध्यम से किया जा रहा है, और आपने जो संकल्प दिलाया है वो संकल्प सब लोग ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। आपने पिछले 9 वर्षों में भारत को 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है, जिसके हम आपके आभारी हैं। अब आपने कहा कि ये 5 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, उसके लिए हम सब अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। आपने 10,00,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार देने की बात कही थी, हम आपके आभारी हैं। 8,00,000 से ज्यादा लोगों को आपने रोजगार दे दिया है और अगले 3 महीनों में 10,00,000 का ये आंकड़ा भी पूरा हो जाएगा। आपका बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री। इसी तरह से ही किसानों को दुनिया में बढ़ते दामों के बावजूद सस्ती खाद, सस्ता बीज और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2,80,000 करोड़ रुपया अब तक आप सीधा उनके खातों में 6,000 रुपया प्रतिवर्ष 11 करोड़ किसानों को
से ही हमारी उज्ज्वला योजना की लाभार्थियों को मात्र 603 रुपए में अब रसोई गैस का सिलेंडर मिलता है, इसलिए भी हम आपके आभारी। माननीय मोदी जी, ये मोदी की गारंटी की गाड़ी अब देश की 269,000 पंचायतों में और 4100 अर्बन लोकल बॉडीज हैं जो हमारी शहरी निकाय है उनमें भी जाएगी। करोड़ों लोग इससे जागरूक हो पाएंगे, आपकी योजनाओं का लाभ ले पाएंगे और आपने जो संकल्प दिलाया है कि विकसित भारत बनाने के हर भारतीय को अपना योगदान देना है, आज मैं कह सकता हूँ विकसित भारत के संकल्प के लिए ये महाअभियान जो आपने छोड़ा है कि जन भागीदारी से जन आंदोलन बन जाएगा और 2047 से पहले ही हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा, आज दुनिया में पिछले कई वर्षों में लगातार सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में आप ही चुने जा रहे हैं। यह आपकी लोकप्रियता इसलिए है कि 2001 से लेकर 2023 तक आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं, आपने अपना पल पल देश के लिए जिया है, समर्पित किया है और यही आपका समर्पण भाव आज हर भारतीय को प्रेरित करता है कि वो भी विकसित भारत का एक अम्बेसडर बने। तो आइए सब लोग विकसित भारत का अम्बेसडर भी बने, अपना योगदान दें और एक बार फिर हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आप जुड़े हैं, मैं देशवासियों की ओर से परिवारजनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लाखों की संख्या में लाभार्थियों ने अपनी भावनाएं प्रकट की। सरकारी योजनाओं के कारण अपने जीवन में हुए बदलाव के बारे में बताया है। आइए इन्हीं अनुभवों पर आधारित एक छोटी फिल्म देखते हैं। एक तरफ जहां मोदी सरकार ने पिछले 9-10 सालों में देशवासियों को अनेकों कल्याणकारी योजनाओं की सौगात दी, वहीं यह भी सुनिश्चित किया कि ऐसी हर योजना का लाभ 100% हकदारों को मिले। फिर चाहे उज्ज्वला योजना से धुआं मुक्त रसोई हो, हर घर नल से जल या पीएम आवास की पक्की छत हो या आयुष्मान भारत से मुफ्त इलाज की निश्चितता, आज हर योजना पूर्णता की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है और करोड़ों लोगों तक इनका फायदा भी पहुंच रहा है। इसी संकल्प के साथ 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की विकसित भारत संकल्प यात्रा की। एक महीने से कम ही समय में आज लाखों लोग इस यात्रा से जुड़ चुके हैं। अब ये यात्रा एक महान जन आंदोलन बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का ये प्यार ही है कि विकास रथ के नाम से शुरू की गई ये गाड़ियां आज मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के नाम से जानी जा रही है। आपने उसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है तो मैं भी आपको कहता हूँ, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। देश के युवा, महिलाएं, हमारे किसान भाई बहन बढ़ चढ़ कर इस विकास यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। युवा तो एक प्रकार से विकसित भारत के एम्बेसडर बन चुके हैं। इस उत्साह का कारण देशवासियों का सरकार के प्रयासों पर अटूट अपार विश्वास। घर मिला था तो घर पार करके हम अच्छा लगा है, पुराने भी अच्छा लगा है और हमें जो खुशा का लेटिंग मिला था वो कायल भी मिला था, हम घर को बहुत खुशी है, हमको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बड़ी संख्या में यात्रा से जुड़े लोग और उनका
अटूट संकल्प की सिद्धि ही नए भारत की पहचान है। नवंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेसों के अनेक ठिकानों से जुड़े हुए नागरिकों के साथ वार्तालाप किया था। इसी श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले तुमकुर कर्नाटक चलते हैं, जहाँ श्री मुकेश जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर जी, पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या काम करते हैं, सरकार की किस योजना का आपको लाभ मिला है? सर जी, हमारा हेल्थ प्लस का शॉप है, हमको डिस्ट्रिक्ट में चल विलेज में, हमको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का बैंक का 4.5 लाख का लोन मिला था, हमने शॉप ओपन किया था, बिजनेस अच्छा चल रहा है अभी। कितना पैसा मिला आपको? 4.5 लाख सर। और उसका अभी कितना लोगों को काम देते हैं आप? सर 3 लोगों को काम देते हैं सर। 3 लोगों को काम देते हैं? यस सर। तो आप नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाले बन गए? सर हमने तो बहुत सारी नौकरी की थी, हमको ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में पता चला था, फिर हमने भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर उसे उससे बड़ा है, और हमको बैंक वालों ने बोला था 5 से 10 लाख तक आप लोन करा सकते हो, तो हमको 4 लाख की चाहिए रखो, हमने इतना ही करा था। अच्छा मुकेश जी, क्या आपको लगता था कि इतनी आसानी से आपको बैंक से लोन मिल जाएगा और आप पैर पे खड़े हो जाएंगे और आप इस प्रकार के काम आगे बढ़ाएंगे, ऐसा कभी विचार आया था? नहीं सर, एक्चुअली हमने आज से 6-7 साल पहले तय किया था, हमको नहीं मिला था उस टाइम, अभी आपका जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ मिलने का बहुत अच्छा फायदा हुआ हमको, पहले हमने सोचा था 2-3 बार तो हमको लोन नहीं मिला था, फिर आपका जो प्रधानमंत्री योजना से पत्र लिखी, बैंक वाले सोशल मीडिया में हमको पता लगा कि आप छोटे मोटे बिजनेस वाले को लोन दे रहे हैं, तो हमको लोन मिला था और आज हम अच्छा बिजनेस कर पाए हैं। अच्छा आप अपना कारोबार यूपीआई से करते हैं कि कैश से लेते रहते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पे विलेज में तो फिफ्टी है सर, तो यूपीआई हो रहा है तो कैश में भी हो रहा है। नहीं तो आप धीरे धीरे करके 100% यूपीआई पे जा सकते हैं? हाँ सर, पक्का जा सकते सर, क्योंकि आपको गांव के लोग भी यूपीआई उपयोग करते हैं। भविष्य में बड़ा लोन लेना है तो रेकॉर्ड आपको बहुत काम आता है। हाँ सर, नहीं सर, हम सभी कस्टमर बोलते हैं, जितना भी कस्टमर आते हैं यूपीआई पहले कीजिए, उनके पास यूपीआई नहीं है तो हम कैश में देते हैं सर। चलिए मुकेश जी, आप देश की युवा शक्ति का प्रतीक है, आपने साबित कर दिया है कि भारत का युवा अगर मेहनत करना तय कर ले तो कैसे नई दुनिया खड़ी कर देता है, और वो ना सिर्फ रोजगार की इच्छा करता है बल्कि वो रोजगार और लोगों को रोजगार देता भी है। भारत की सरकार आपके जैसे युवा साथियों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आइए अब देखते हैं कौन है जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास खड़े जुड़ने वाले हैं। मेरे से हम जदीगर करते हैं जहाँ मोना जी जुड़ी हुई है। नमस्ते सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपकी दर्शन हुई आज मुझे। मोना जी पहले तो अपने बारे में बताइए, और आप चंडीगढ़ में हैं तो मैं तो पहले कभी चंडीगढ़ में रहता था लंबे अरसे तक। हाँ जी, चंडीगढ़ किस इलाके से आप हैं? हाँ जी, मैं जी रांची से हूँ, झारखंड से। मैंने 15 साल की थी उस टाइम मैं आ गई थी चंडीगढ़, तो उस टाइम से मैं अपना काम की मैं पढ़ाई में लगी ना कि मैं हूँ अपना काम करती हूँ। धीरे धीरे मैं चाय की स्टॉल लगाई कलेक्टिव में, फिर सारी इंडस्ट्री एरिया में, और मेरा काम बहुत अच्छा चलता है सर, चाय का काम इससे। अच्छा मोना जी, आपने बताया कि आप चाय की दुकान चलाती हैं, तो
मुझे जानना है कि क्या अनुभव आता है, चाहे खुद बनाते हैं और भी लोग बनाने वाले आपके साथ है। कितने कितने लोग दिन भर आते हैं, सुबह कितने बजे चालू कर देते हैं? पानी लाना था जी जी एम की वजह से हम
बाइबल मिले हैं और हम मोदी जी के शुक्र गुजार है, उसकी वजह से हमें बहुत बहुत शुक्र गुजार है, उसकी वजह से हमें घर पर ही साफ सुथरा पानी मिल रहा है और हमने बहुत स्कीमों का लाभ उठाया है। उज्ज्वला गैस, पहले हमें रसोई में गैस नहीं था, फिर हमें गैस मिला और उसके साथ चूल्हे मिले और ओल्ड पेंशन मिल रहा है और बच्चों को मिल रहा है और 5 साल आपने और खाना ऐसे ही दिया। हमें आपका शुक्र गुजार होना चाहिए मोदी साहब। राजा जी, तुमने 11 दिन वाली गाड़ी थी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और इतनी बड़ी तादाद में सब पहले देख रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है। इनके मन में भी कुछ न कुछ कृपा आपकी निशान है, अपने चरण पर खड़े होकर के सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल करने का जज्बा मैं देख रहा हूँ। प्रसाद जी, मेरे लिए एक बहुत बड़ा कश्मीर का शोक होता है और मुझे बताया गया कि कश्मीर में ये जो संकल्प यात्रा के कार्यक्रम होते हैं कहते बहुत बड़े होते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और गांव से बाहर तक स्वागत करने के लिए जाते हैं, आने के बाद बहुत सारे जुलूस निकालते हैं, स्वागत करते हैं। तो ये जो कश्मीर के लोगों का उत्साह है, जम्मू कश्मीर में जो वातावरण बना है, मैं मानता हूँ इससे पूरे देश को सरकार पर संदेश जाता है और आपकी जो नई पीढ़ी है उनका भविष्य उज्ज्वल होने के गारंटी मिल जाता है और मोदी की गाड़ी की गारंटी यही है कि मुझे नई पीढ़ी को एकदम आश्वस्त करना है और आज तक कश्मीर मैदान से लेकर पूरे देश में लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर कार्य करेंगे क्योंकि हमें हमारे देश को आगे ले जाना है और जब देश आगे जाएगा तो हम सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इस मिट्टी में जो भागीदारी में देख रहा हूँ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कहा पर मुझे गारंटी वाली गाड़ियां, अब हम चलेंगे दरभंगा बिहार में, जहाँ प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी थी। प्रियंका जी नमस्ते। नमस्ते मोदी जी। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। जी सर, 3 बच्चा है घर में, जो चूल्हा मिला है और गैस मिला है उनसे तो उसके कारण अब
अध्यक्ष का चुनाव गया तो समय भी बच जाता होगा आपका, तो जो समय बचता है उसका कुछ उपयोग करते हैं क्या? सर समय जो बचता है हम अपना इससे उपयोग करते हैं कि उस समय सरकार से बच्चा को तैयारी करके स्कूल भेजते हैं, खाना पीना खिलाते हैं, देखा बार समय जो हमारा बचता है तो अपना घर परिवार देखते हुए फिर बच्चा को केयर करते हैं हम, और मतलब खेती बाड़ी किसान के मतलब आती है। तो घर में आने के बाद बच्चों को भी कुछ पढ़ाती हो? सर हम मैट्रिक इंटर किए हुए हैं, हम घर में जो बच्चा आता है स्कूल से तो हम उनको पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे को अच्छा गांव में सब लोग किसी को अगर योजना नहीं होती मालूम है जिसको उज्ज्वला का घर नहीं मिला होगा तो आपको कैसे होंगे, तो आपको कैसे मिला, मुझे तो मिला नहीं, तो उसके लिए आप तरह आपको पढ़ी लिखी है वाली गाड़ी आ रही है ना, मैं आप सबको कहता हूँ अभी भी लोगों को मिलना बाकी रह गया है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूँ, मैं सामने से पूछने के लिए लिखता हूँ तुम्हें बताओ कोई रह गया है क्या, और आने वाले समय में जितना जल्दी हो सके ये सारी योजनाएं मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बेटा जी मुझे बहुत संतोष है कि आप सभी को बिना किसी परेशानी के योजनाओं का लाभ मिला है, और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसका हर लाभार्थी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना देश में पहले बहुत सी योजनाएं बन जाती है दिया जलाना सीता राखना और जब कागज रूपये चलता रहता था, हमारी कोशिश है कि जो योजना बनती है वो बदलाव में उसका उसको भूलो वहां तक पहुंचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए, तब जाकर के देश में जो हमें गांव गांव का बदलाव लाना है वो आएगा, और इसलिए हम लाभार्थियों को जानकारी भी देना तो उनको पता नहीं बता देना और फिर उनको जोड़ देना। अब गारंटी वाली गाड़ी गांव गांव जाकर हर लाभार्थी तक योजनाओं को पहुंचा रही है। अब देखिए हमें किस भारत बनाना है तो हमें हर परिवार में बदलाव लाना है, और आप जैसे पढ़े लिखे बेटियां गांव में है तो मैं पक्का मानता हूँ कि गांव के सब लोग जागरूक होकर के हम सभी महिलाएं एक रहना है। आजकल लोग हमारी महिलाओं में जितने भी दरारे कर रहे हैं वो फलाना है और जितना है नहीं, हम सब महिला एक है, हम महिलाओं की एक ही जाति है, हम सब एक ही जाति की महिला है, हम सब महिलाओं की जात इतनी बड़ी है कि हम सब मिल करके आप सारी मुकाबला आपके काम करिए। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आइए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का आप बोल रही है आप तरह चलेंगे कि भारत की तरफ जरूर जहाँ प्रत्येक भाई आपके बात करना चाहते हैं। अर्जुन भाई नमस्ते, नमस्कार सर, जैन जो ये हिंदी में बोलो भारत है आपसे तो अपने बारे में बताइए। क्या 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 कोर्स किया आपने? अच्छा करते हैं कौन सी योजना करते हैं क्या आप
सब्सिडी मिली है और जो आपकी जो पीएम शर्मा ने दी योजना है सर उसमें 15 हफ्ता मुझे जब मैं आपकी उम्र का था तो मैंने 1 लाख क्या होता है 2 लाख क्या होता है 3 लाख क्या होता है सुना ही नहीं और आप तो लाखों में लाभ कर रहे हैं आप जो लाभ आपको मिले हैं तो दूसरे किसानों को भी अभी धरती करने के लिए कोई सलाह वाला देते हैं क्या क्योंकि गांव में आपको मना नहीं था तो गांव में आपका रुतबा चलता होगा हाँ सर मैं सर पिछले आत्मा प्रोजेक्ट से जुड़ा हूँ 2008 से सर और आत्मा प्रोजेक्ट का जो सभाकार है जब गांव की पंचायत में आए थे और वहाँ पे मुझे सहयोग किया कि ग्रुप में आप जुड़ो तो आपको जो भी अच्छे जब खेती कर रहे हैं दूसरे राज्य में या दूसरे जिले में या दूसरे तालुका में उधर आपको विजिट कर रहे थे उससे आपको ये फायदा होगा कि आप किस टेक्निक से खेती कर रहे हो और वो लोग कैसी टेक्निक से खेती कर रहे थे वो आप समझ पाओगे फिर बाद में मैंने सभी जगह पर विजिट किया और आपका प्रोजेक्ट से मुझे उसमें सम्मान पुरस्कार मिला उसमें तालुका कक्षा में जिला कक्षा में और राज्य कक्षा में आत्मा देश समाज का अवार्ड भी मिला है और सौभाग्य की बात यह है सर कि जो जिला पुरस्कार जो मुझे मिला आप भविष्य में आएगा उसी का मुझे आपकी उपस्थिति में मिला है सर वो मेरी सौभाग्य की बात है और आज मैं आपके साथ इसी बात कर रहा हूँ सर अरे आपके पीछे तो दुनिया है कि क्यों दूसरा वही कौन है छोटी दुनिया है वो जरूर दूसरा वही कौन है वो पांचवी क्लास से पढ़ती है अच्छा वो तो पूरा मालूम है क्या नाम मेरा तुम्हारा मेरे नाम से नहीं पूछा है तो तुझे मुंबई जाने का मन नहीं करता है नहीं सर तो तुम खेती में कुछ काम करती हो मोदी मोदी की जाने की वाली गाड़ी आ रही है तो मुझे मालूम था ऐसी यात्रा जाने वाली है अच्छा तो तुम्हारे सब दोस्तों को बताओगे अच्छा बताओगे अच्छा वहां जितने लोग बैठे हैं उन सबको भारत माता की जय का नारा लगवाओ भाई आप देश के गांव के लिए प्रेरणा है आपने साबित किया है कि देश में कृषि में अच्छा काम करने के लिए भी अपार संभावना है आज गांव से युवा खेती के साथ मुड़ रहे हैं हमारी कोशिश है कि हम अपने किसानों को बीज से लेकर बाजार तक का बेहतर माहौल दें हमारी कोशिश है कि नई तकनीक इनोवेशन और नई सोच से हम किसानों की मदद करें पढ़े लिखे युवाओं का खेती में आना इस संकल्प और शक्ति को बड़ी ताकत देगा मैं आपको आपसे शायद ड्रोन का कार्यक्रम होने वाला होगा और आपको खेती में जैसे गांव गांव में ट्रैक्टर ने खेती में बहुत बड़ा जगह ले ली है आने वाले दिनों में ड्रोन भी लेने वाला है तो ये बहुत अच्छा जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आती है ना उसमें एक ड्रोन का कार्यक्रम भी होता है बढ़ना चाहिए और आपको और आपके गाँव वालों को मैं एक काम भी देना चाहता हूँ गारंटी वाली गाड़ी आपसे जाए तो इसका अगले गांव में और भव्य कार्य हो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग जुड़े इसको आगे वाले गांव में जाकर के थोड़ा मेहनत करिए तैयारी होंगे और चार पांच गाँव ने जिम्मा ले दिया पीछे है हाथ पर करके बताए जिम्मा लेंगे चलिए हम इसको बहुत बहुत बधाई आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि हम सबका मार्गदर्शन करें
नमस्कार। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर जो उत्साह गांव गांव में देखा, हिंदुस्तान के हर कोने में देखा, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, बहुत ही छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, और कुछ तो जान पर मैंने देखा है गाड़ी का रूट नहीं है, फिर भी लोग गांव वाले रास्ते में आके खड़े हो जाते हैं और गाड़ी को खड़ी लेकर के सारी जानकारी लेते हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत है। और अभी कुछ लाभार्थियों से जो मेरी बातचीत हुई है, मुझे बताया गया है कि इस यात्रा के दौरान 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों अपने अपने अनुभव बताने का अवसर मिले और ये अनुभव रिकॉर्ड भी हुए। और मैंने पिछले 10-15 दिन में बीच में देखा भी है कि गांव के लोगों की भावनाएं क्या है, योजनाएं मिली हो, पक्की पूरी मिली है नहीं मिली है, पूरी डिटेल उनको पता, सारी चीजें मैं आपके वीडियो देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत आनंद होता है कि मेरे गांव के लोग भी सरकारी योजनाएं जो देखती है उसको कैसे बखूबी उपयोग करते हैं। अब देखिए किसी को पक्का घर मिला है तो उसको लगता है मेरे जीवन की नई शुरुआत हो गई, किसी को नल से जल मिला है तो उसको लगता है कि इस तक तो हम पानी के लिए मुसीबत में जीते थे, आज पानी हमारे घर पहुंच गया, किसी को टॉयलेट मिला तो उसको लगता है इज्जत घर मिला है, और हम तो पहले पुराने जमाने में बड़े बड़े रहीशी लोगों के घर में टॉयलेट होता था, तो हमारे घर में टॉयलेट है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विषय बन गया है, किसी को मुफ्त इलाज मिला है, किसी को मुफ्त राशन मिला है, किसी को गैस कनेक्शन मिला है, किसी को बिजली कनेक्शन मिला है, किसी का बैंक खाता खुला है, किसी को पीएम किसान सम्मान निधि पहुंच रही है, किसी को पीएम फसल बीमा का लाभ मिला है, किसी को पीएम स्वनिधि योजना से सहायता मिली है, किसी को पीएम स्वामित्व योजना के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड मिला है। यानी मैं योजनाओं के नाम अगर बोलूंगा, जब मैं देख रहा था हिंदुस्तान ग्राहक मंडल चीजें पहुंची है देश भर के गांव में करोड़ों परिवारों, हमारी सरकार की किसी न किसी योजना का जरूर लाभ मिला, और जब ये लाभ मिलता है तब एक विश्वास हो, और विश्वास एक छोटी लाभ मिल गया, जिंदगी जीने की नई ताकत आ जाए, और इसके लिए उन्हें किसी सरकारी दफ्तर में बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वीकदांगिनी के जो मनस्थिति रहती वो गई, सरकार ने लाभार्थियों की पहचान की और फिर उन तक लाभ पहुंचाने के लिए कदम उठाए। तभी आज लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा ऐसे लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा माध्यम बनी है, जो अब तक सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ा। इसे शुरू हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 2-3 हफ्ते हुए हैं, लेकिन ये यात्रा 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत और कई शहरों तक पहुंच गई। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय अब तक 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी की गारंटी वाली गाड़ी तक पहुंचे हैं, उसका स्वागत किया है, उसको समझने का प्रयास किया है, उसे जुड़ने की कोशिश की है, उसको सफल करने का काम किया। लोग इस गारंटी वाली गाड़ी का आभार प्रगति से कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और मुझे बताया गया है कि कई जगहों पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही कई करोड़ की गतिविधियां पूरी की जा रही है। यानी मैं देखता हूं कि ऐसे कार्यक्रम को जिसके बाद कोई बड़ा नेता नहीं है, सिर्फ भारत को
आगे बढ़ाना है, हमारे गांव को आगे बढ़ाना है, हमारे परिवार को आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के आगे बढ़ना है। इतने से एक संकल्प के लिए ये गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने से पहले गांव वालों ने जो काम किया मुझे जानकारी अच्छी मिली, वह तो जगह के गाँव में एक एक सप्ताह पर बड़ा स्वच्छता अभियान चला है। फिर चलो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली है, पूरा गांव लग गया स्वच्छता के अभियान में। कुछ गांवों में मुझे बताया गया कि सुबह एक घंटा प्रभात फेरी कर रहे हैं, गांव गांव लोग इतने जागरूक दिखने आ रहे हैं। कुछ जगह पे स्कूलों में जो प्रार्थना सभा होती है तो वहां जो जागरूक टीचर है उन्होंने विकसित भारत क्या है, आजादी के 100 साल होते तब तक कैसे आगे बढ़ना है, ये बच्चे तब 25-30 साल के 35 साल के हो जाएंगे तब उनका भविष्य कैसा होगा, इन सारे विषयों की स्कूल में चर्चाएं कर रहे हैं आजकल। अरे ऐसे जागरूक जो शिक्षक है वो भी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। अब स्कूल के बच्चों ने गारंटी वाली गाड़ी के स्वागत में कई गांवों में बढ़िया रसोड़िया बनाई, कुछ लोगों ने कलर वाली रसोई नहीं बनाई तो गांव के फूल पत्ते पौधे लेकर के कहीं सूखे पत्ते और हरे पत्ते जोड़ करके बहुत बढ़िया से रसोड़िया बनाई, अच्छे नारे लिखे लोगों ने, कुछ स्कूलों के अंदर नारे लिखने की स्पर्धाएं हुई है। मुझे बताया गया है कि कुछ गांवों में तो गारंटी वाली गाड़ी आने पर हर घर के दरवाजे पर जिस दिन आने वाली थी उसके एक दिन पहले शाम को लोगों ने घर के बाहर दिया जला है ताकि पूरे गांव में गारंटी वाली गाड़ी का एक वातावरण बन जाए, यानी तो लोगों का उमंग है। और लोगों को मैंने सुना कि गांव के बाहर तक जाते हैं गाड़ी आने वाली है तो पूजा का सामान लेकर के आरती लेकर के फूल लेकर के गांव के दरवाजे यानी गांव के बाहर जो पेड़ होता है नाका होता है या गेट होता है वहां तक गए और गाड़ी का स्वागत करते हुए अंदर तक ले गए नारे बोलते, यानी पूरे गांव में जैसे उत्सव का वातावरण बना रहे। मुझे जानकर भी अच्छा लगा कि हमारी पंचायत विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत के लिए हर गांव में अच्छी स्वागत समितियां बने हैं। गांव के सब बड़े बुजुर्ग समाज के सभी वर्ग के लोग सबको स्वागत समिति में जुड़ा है और स्वागत समिति के लोग इसका स्वागत करने के लिए तैयारियां कर रही जिम्मेदारी संभाल रही। मोदी की गारंटी के वाली जो गाड़ी आने वाली है ना इसकी एक दिन पहले से घोषणा हो रही है। अब तो मैंने कोशिश की है तो जरा एक दो दिन क्या सबसे पहले बता दो हमारी तारीख को आएगा कितनी तारीख को आएगा इतने बजे आएगा तो गाँव वालों में इतना उत्साह है तो पहले से अगर पता चलेगा तो ज्यादा तैयारियां करेंगे और जिन गांव में गाड़ी जाने वाली है अगर बदल के 2-4-5 किलोमीटर छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनको भी बुला सकते हैं। स्कूल के बच्चों से लेकर के बुजुर्गों को भी इस योजना में शामिल किया जा रहा और मैंने देखा उसमें सेल्फी पॉइंट बनते हैं, इतनी सेल्फी लोग ले रहे हैं और गांव के भी माताएं बहने मोबाइल फोन का उपयोग करना सेल्फी लेना और ये सेल्फी अपलोड करते हैं। मैं देखता हूँ उतने खुश नजर आते हैं और मुझे संतोष है कि जैसे जैसे ये यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है लोगों का उत्साह और ज्यादा बढ़ता है। ओडिशा में जगह जगह पारंपरिक टाइगर डांस नृत्य करते हैं जो परंपरागत हमारे आदिवासी परिवारों में होता है इतना शानदार नृत्य हो रहे हैं उनका स्वागत किया है। मुझे फोटो भेजे उनका वीडियो भेजे वेद साक्षी हित के रामराय ने कार्यक्रम के दरवान स्थानीय लोगों ने खूब सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम किया नृत्य का आयोजन किया अंडमान और लक्षद्वीप दूर दूर तक पूछता नहीं ऐसे इलाके इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और बड़ी खूबसूरती के लिए किए जा रहे हैं। करगिल में जहां अब तो बर्फ की है वहां पर भी स्वागत कार्यक्रम में कोई कमी नजर नहीं आ रही।
मुझे अभी बताइए एक कार्यक्रम में अभी तो बोले आसपास के लोग इतनी बड़ी मात्रा में छोटा सा काम था लेकिन 4,450 लोग इकट्ठे हो गए। ऐसे अनगिनत उदाहरण रोज देखने को मिल रहे हैं, वीडियो देखने को मिल रहा है, पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ। मैं तो कहूंगा कि इन कामों की इन तैयारियों का जो काम है शायद मुझे तो पूरा पता भी नहीं होगा कितनी विविधता लोगों ने की है, कितने उसमें नए रंग भर दिए हैं, नया उत्साह भर दिया है। मुझे तो लगता है शायद इसका एक बहुत बड़ी लिस्ट बना ली ताकि गारंटी वाली गाड़ी जहां जहां पहुंचने वाली है उनको भी तैयारी करने के लिए काम आ जाए। ये सारे सुझाव जो लोगों ने किया है वो अनुभव उनको भी काम आ जाए तो एक स्कीम भी अगर लिस्ट बन जाए और वो भी पहुंच जाए तो गाँव में उत्साह बढ़ाने का काम आएगा। इससे उन क्षेत्रों के लोगों की मदद मिलेगी जहां एक गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने वाली है जो करना चाहते लेकिन क्या करना वो पता नहीं उनका आइडिया मिल जाए। साथियों सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना, घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना, हर बच्चों को बुढ़ों को बुजुर्गों को सबको ले जाना क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सेंट्रल जो संकल्प है ना वो पूरा हो। हमारे इस प्रयास का गांव गांव में असर भी दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगभग 1,00,000 नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन ले लिया, आवेदन किया। कुछ गांव है जो दसवीं में बात कर रहा था बिहार से प्रमाणित नहीं पैसे कह रही थी मेरे गांव में सबको वो पहुंच गए अच्छा लगा मुझे, लेकिन कुछ गांव है क्या एक दो तो लोग रह गए तो गाड़ी पहुंचते वो भी दूर मंडल को दे रहे इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए। और आयुष्मान कार्ड में एक प्रकार से किसी भी बीमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा कौशल की गारंटी बन जाता है। गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हित चेकअप करा और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों हित का कैंप करते हैं तो गांव में डॉक्टर बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं तो सबका मेडिकल चेकअप हो जाता है, शरीर की तपास हो जाती है पता चल जाता है कमी है क्या। मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है, संतोष के काम। बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते हैं अब लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, वहां पर जाकर के भी भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं ताकि वो केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता एक भावात्मक रिश्ता। अब मैं तो ये कहता हूं आप मेरे परिवार जन मेरे परिवार जनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं गाड़ी के माध्यम से, क्यों आपसे का साथी बनू, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझो, उसको पूरा करने के लिए उसकी सरकार की शक्ति लगाओ। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। माँ बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना वैसे ही मोदी आपकी सेवा का काम है। और मेरे लिए तो जो गरीब है जो वंचित है वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है उनको मोदी शब्द करे मोदी पूछता ही है ना नहीं मोदी पूछता भी है। मेरे लिए देश का हर गरीब
मेरे लिए वीआईपी है, देश की हर माता बहन बेटी मेरे लिए वीआईपी है, देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है, देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में पड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है। दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को यह सीधी बात समझ नहीं आ रही कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को मानना भी सही है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है वो 50 साल पहले ही पूरी नहीं हो गई होती। मेरे परिवारजनों, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या है हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है, हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ फोटो खिंचाने की उनका हो सकती है। आप देखिए, गरीबों के जो 7 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, वो तकड़ा कर सकता है। हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले, और सबसे मेरी खुशी भी उसमें है, 4 करोड़ घर मिले उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं उसमें से 7% घर माताओं के नाम पर रजिस्टर होते हैं, जिनके नाम पहले एक रुपये की भी संपत्ति नहीं थी। आज मुद्रा ऋण के हर 10 लाभार्थियों में से भी 7 महिलाएं ही हैं। किसी ने दुकान ढाबा खोला, किसी ने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया, किसी ने सैलून पार्लर पार्लर ऐसे अनेक बिजनेस शुरू किए। आज गांव गांव में देश की 10 करोड़ बहने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। ये समूह बहनों को अतिरिक्त कमाई के साधन दे रहे हैं, उन्हें देश की प्रगति में भागीदार का सीधा अवसर दे रहे हैं। सरकार महिलाओं का कौशल विकास की तरफ ध्यान दे रही है, और मैंने ये संकल्प लिया शायद कोई भाई पूरी जिंदगी पर रक्षाबंधन इतनी कर ले ऐसा संकल्प नहीं ले सकता है जो मोदी ने लिया। मोदी ने संकल्प लिया है कि मुझे मेरे गांव में ये जो 100 सहायता समूह चला रहे हैं ना, मुझे 2 करोड़ मेरी बहनों को, 2 करोड़ बहनों को मैं लखपति दीदी बनाना चाहता। वो गर्व से खड़ी रहे हैं, मैं लखपति दीदी हूं, मेरी आय 1 लाख रुपये से ज्यादा है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देश में स्वाभिमान जिंदल को नमन करता हूं, उनको
से सरकार ने योजना बनाई है नमो ड्रोन थ्री, छोटे में लोग उसको बोलते हैं नमो थ्री, ये नमो ड्रोन दीदी है या कोई कहे तो नमो दीदी, ये अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए प्रारंभ में 15,000 स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप उसकी जो बहने हैं उनको ट्रेनिंग देंगे कि नमो ड्रोन दीदी बनाएंगे, फिर उनको ड्रोन दिया जाएगा और गांव में जैसे ट्रैक्टर से खेती का काम होता है वैसे दवाई छिड़कने का काम हो, फर्टिलाइजर छिड़कने का काम हो, फसल को देखने का काम हो, पानी पहुंचाए नहीं पहुंचाए वो देखने का काम हो, ये सारे काम ड्रोन कर सकता और गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद बहनों बेटियों को ये नमो ड्रोन दीदी की पहचान मिलेगी जिसको सामान्य भाषा में लोग नमो दीदी कहते हैं, दीदी को नमो, अच्छी बात है हर गांव में दीदी को नमो, तो ये नमो दीदी, नमो दीदी देश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो जोड़ेगी ही, उन्हें कमाई का प्रत्येक साधन भी मिलेगा और उसके कारण खेती में बहुत प्रॉब्लम था, हमारी खेती वैज्ञानिक होती है, आधुनिक होती है, टेक्नोलॉजी वाली होती है और जब माता लहरें पड़ती है ना फिर तो सब लोग इस बात को मान जाते। मेरे परिवारजनों, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो या फिर हमारे गरीब भाई, विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति इनका समर्थन अद्भुत है। मुझे जानकर काफी अच्छा लगा कि इस यात्रा के दौरान 1,00,000 से ज्यादा हमारे जो नौजवान खिलाड़ी हैं गांव गांव खेल को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, 1,00,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, उनको सम्मानित किया गया, ये युवा खिलाड़ियों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। आपने देखा होगा नमो ऐप लोग डाउनलोड करते हैं, वैसे ही माय भारत वॉलेंटियर भी बन रहेगा उतना गांव गांव में, नमो माय भारत वॉलेंटियर के रूप में जिस उत्साह के साथ हमारे बेटे बेटी जुड़ रहे हैं, हमारी युवा शक्ति जुड़ रही है, रजिस्टर करवा रहे हैं, उनकी शक्ति गांव के बदल के लिए, देश के बदल के लिए भविष्य में बहुत काम आने वाली है, भारत के संकल्प को सशक्त करता है। मैं ये सभी वॉलेंटियर उनको दो काम देता हूं, ये जो माय भारत के साथ रजिस्टर हो गए हैं वो अपने मोबाइल फोन पर नमो ऐप डाउनलोड और उसमें विकसित भारत एम्बेसडर ऐसा एक काम शुरू किया है, आप अपने आप को विकसित भारत एम्बेसडर के लिए रजिस्टर कर लो, आप इस विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में आप जिम्मेवारी लेके उसमें जो बताया गया वो काम कीजिए, रोज 10-10 नए लोग बनाएंगे और एक मूवमेंट चलाएंगे, हम लोग ऐसे हैं जो जैसे महात्मा गांधी के जमाने में लोग सत्याग्रही हुए होते हैं वैसे हमें विकसित भारत के वॉलेंटियर एम्बेसडर क्या जो विकसित भारत बनाने की जो भी जरूरी है काम। दूसरा भाई भारत तो विकसित होगा लेकिन मेरी युवा पीढ़ी दुर्बल है, पूरा दिन भर टीवी के सामने बैठी रहती है, पूरा दिन मोबाइल फोन पर ही देखती रहती है, हाथ पैर भी नहीं हिलाती है, तो जब देश समृद्धि के तरफ जाएगा और मेरा युवा सशक्त नहीं होगा तो सब देश कैसे आगे बढ़ेगा, किससे काम आएगा, और इसलिए मेरा एक दूसरा आपको आग्रह है, जैसे नमो ऐप पर विकसित भारत के एम्बेसडर का काम है वैसे ठीक
मेरे देश के नौजवानों से बेटे हो या बेटी, वो शरीर से मजबूत है, वो दिए जाने नहीं होते। कभी 2-4 किलोमीटर चलना पड़े तो वो बस बूढ़े टैक्सी घूमते ऐसा नहीं, अरे हिम्मत वाले से। ऐसे मेरा जो तो माई का भारत है ना, उसके वॉलेंटियर इसको आगे करें। और मैं चाहता हूं फिट इंडिया के लिए मैं 4 बातें, इन 4 चीजों का हमेशा प्राथमिकता दी, ये पता कर लिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना, थोड़ा 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 दिन भर पानी पीना, ये शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। फिट इंडिया के लिए को धरा। दूसरा पोषण, हमारा मिलेट कितना बढ़िया ताकत देता है जी, हम मिलेट खाने की आदत बनाए। तीसरा पहला पानी, दूसरा पोषण, तीसरा पहलवानी। पहलवानी मतलब थोड़ा व्यायाम करो, कसरत करो, दौड़ो, जरा खेल कूद करो, पैर पर लटको, उठो, बैठो, तो पहलवानी करनी है। और चौथा पर्याप्त नींद, पर्याप्त नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इन 4 चीजों को फिट इंडिया के लिए हर गांव में कर सकते हैं, इसके लिए गांव में कोई नई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं। देखिए स्वस्थ शरीर के लिए हमारे चारों तरफ बहुत कुछ है, हमें उसका फायदा उठाना है। अगर इन चारों पर ध्यान देंगे तो हमारे युवा स्वस्थ होंगे, और जब हमारा युवा स्वस्थ होगा और जब विकसित भारत बनेगा ना, तभी युवाओं को इसका सबसे ज्यादा फायदा लेने का आसान है। तो इसकी तैयारी में ये भी जरूरी है, विकसित भारत के लिए नौकरी ही निकले, पैसे ही निकले, धन ही कमाए, ऐसा नहीं है। बहुत प्रकार के काम करते हैं। आज मैं एक काम बताया हूं और वो है फिट इंडिया। मेरे नौजवान, मेरे बेटे बेटी तंदुरुस्त हो रहे, हमें कोई लड़ाई लड़ने नहीं जाना, लेकिन किसी भी बीमारी से लड़ने की पूरी ताकत है। अच्छा काम करने के लिए अगर 2-4 घंटे ज्यादा काम करना पड़े, पूरी ताकत है। मेरे परिवारजनों, इस संकल्प यात्रा के द्वारा हम जो भी सबक ले रहे हैं वो सिर्फ कुछ बात के भर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मंत्र बनने चाहिए। चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर सामान्य नागरिक, हम सबको पूरी निष्ठा से साथ जुटना है, सबका प्रयास लगना है, तभी भारत विकसित होने वाला है। हमें विकसित भारत का सपना पूरा करना है, मिलजुल करके करना है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज देश भर के लाखों मेरे परिवारजनों से मुझे सीधी बात करने का मौका मिला है। ये कार्यक्रम इतना उत्तम है, इतना बढ़िया है, तो मेरा मन करता है मैं थोड़े दिन के बाद फिर अगर समय निकल पाया तो फिर यात्रा के साथ आप सबसे राय जुड़ूंगा, और जिस गांव में यात्रा होगी उस गांव के लोगों से फिर से बात करने का मौका मिलेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये उद्बोधन वास्तव में हम सभी को प्रेरक शब्दों से उन्होंने प्रेरित किया है, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का साधार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत संकल्प शपथ के लिए मैं मंच पर माननीय उपायुक्त महोदय श्रीमान निशांत कुमार यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूं, और आप सभी से अनुरोध भी है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे जब माननीय उपायुक्त महोदय वो शपथ हम सभी को दिलवाएंगे। और सज्जनों से मेरा अनुरोध है कि जो सामने बैठे हैं वो सामने सीट जो खाली है उनके ऊपर आप आकर के विराजित हो जाएं। धन्यवाद माननीय उपायुक्त महोदय। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे कर लें और शपथ मेरे साथ साथ बोले। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक
आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। साथ ही एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपायुक्त महोदय का। सभी से अनुरोध है कि अपने स्थान पर आप बैठे रहें और अतिथिगण से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से गुजारिश करूंगा कि हमारे कुछ बेनिफिशियरीज हैं जिनको सम्मान पत्र प्रदान करके आप कृतार्थ करेंगे। तो जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनसे मेरी गुजारिश है कि उन्हें आप मंच तक लेकर के आएंगे और हमारे मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से उन्हें सम्मान पत्र वितरित किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा जो हमारे विद्यालयों के कुछ छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया है एजुकेशन में, उनमें दीक्षा, चंचल और अजय तीनों छात्र मंच पर आए। दीक्षा, चंचल और अजय ये तीन छात्र हैं जिन्होंने अपने अपनी कक्षा में टॉप किया है एजुकेशन में। एक बार जोरदार तालियां इन तीनों छात्रों के लिए। और उसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों में श्री सुरजन सिंह जी, सचिन जी, श्री जय किशन जी, राम कुमार जी, मामराज जी और जयपाल जी, आप सभी मंच पर आ जाएं। इसी क्रम से शीघ्रता से मंच पर आए श्री सुरजन सिंह जी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से इन्हें सम्मान स्वरूप एक शॉल भेंट किया जा रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट निरंतर होती रहे, ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। एक गर्व करने की बात है कि इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के बदौलत आज हम उन आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। तालियां जोरदार बजती रहे। श्री सचिन जी, जय किशन जी, राम कुमार जी, मामराज जी और जयपाल जी, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी। उसके बाद जो स्वामित्व वाले हैं वो स्वामित्व के हमारे बेनिफिशियरी हैं, उनमें श्रीमान रणबीर सिंह पुत्र श्री महिपाल सिंह जी वो मंच पर आए। सबसे पहले श्रीमान रणबीर सिंह जी स्वामित्व योजना के जो लाभार्थी हैं। उसके बाद श्रीमान वीरेंद्र पुत्र श्री महिपाल सिंह जी, श्रीमान वीरेंद्र जी, और उसके बाद सोमवीर जी पुत्र श्री बंशी सिंह जी। सोमवीर जी ये स्वामित्व योजना के हमारे लाभार्थी थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया। उसके बाद बुढ़ापा पेंशन के तहत सबसे पहले मैं नाम उच्चारित कर रहा हूं, श्रीमती शकुंतला, श्रीमती शकुंतला जी। उसके बाद श्री समय सिंह जी, श्री समय सिंह जी, आप फोटो खिंचवाने के बाद आप मंच से उतर जाएंगे। और उसके बाद ममता जी, श्रीमती ममता, पत्नी श्री योगदत्त जी, ये बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थी थे और बेनिफिशियरी को भी माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने कर कमलों से प्रमाण पत्र और सम्मान पत्र देकर के उन्हें कृतार्थ किया। इसके लिए मैं सभी अतिथियों का, माननीय मुख्य अतिथि महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साभार धन्यवाद करता हूँ। और इसी के साथ इस कार्यक्रम का हम समापन करने जा रहे हैं। मेरे साथ एक बार भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके धैर्य के लिए आपका सबहार धन्यवाद।